नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों की फेवरेट कढ़ी, मतलब पकोड़े कढ़ी। आज हम बनाएंगे और उसका मजा लेते हैं। बहुत टेस्टी है। आप लोगों को पता होगा दही में कितने सारे विटामिन है। विटामिन बी है, विटामिन B12 है, पोटेशियम है, विटामिन B1 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, आयरन है, बहुत सारे विटामिन है। आप इसका फायदा हम लेते हैं और हेल्दी खाना बनाते हैं। आइए दोस्तों, बनाते हैं दही पकौड़े की कढ़ी। पकौड़े कढ़ी आज हम बनाएंगे और इसका मजा लेंगे। बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता होगा दही हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग डाइट में भी दही को बहुत यूज करते हैं। आज इसी का फायदा लेंगे और हम हेल्दी खाना बनाएंगे, दही पकौड़े की कढ़ी। जाते जाते हमारे चैनल को एक साथ लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए छोटी बड़ी अपडेट के लिए। आप बस खाते रहिए, हम बस खिलाते रहेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए और उसका मजा लीजिए। नए नए रेसिपी जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए 1 कप बेसन ले रहे हैं। अब 1 कप कॉर्ड ले रहे हैं। दही ले रहे हैं 1 कप। इसमें हम सूखे मसाले लिए हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची व 1 टेबलस्पून गरम मसाला, इसी को यहाँ पर हम डाल रहे हैं। अब इसमें 1 कप पानी दे रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, कोई गांठ ना रह जाए, इसलिए हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए दोस्तों, हमारा बैटर अब रेडी है। अब इसमें हम 1/2 कप एक्स्ट्रा कॉर्ड दे रहे हैं ताकि कॉर्ड जैसा रहे थिकनेस, इसलिए हम बना रहे हैं कॉर्डी दही दही हम बना रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ी के लिए बैटर अब परफेक्ट है। अब इसको कढ़ाई में छोंक लगाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं। अब इसमें पंचफोरन को डालते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पंचफोरन लिए हैं। पंचफोरन हो गया है। अब इसमें हम लंबे लंबे कटा हुआ प्याज को डाल रहे हैं। अब इसमें 1/4 सॉल्ट डालेंगे ताकि प्याज जल्दी जल्दी पक जाए, फ्राई हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें बनाया हुआ बैटर कढ़ी के लिए डालेंगे। हम जितने सारे बैटर बनाए थे अब इसमें डाल रहे हैं। अब इसको 5 मिनट तक बॉईल करना है। देखिए बॉईल हो गया है, ठीक भी हो गया है। अब इसमें 1/2 कप पानी दे रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ठीक हो जाए। कढ़ी ठीक बनेगा तो टेस्टी बनेगा। देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ी बन चुका है। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिए हैं। एक बर्तन लेते हैं, इसमें 1/2 कप बेसन लेते हैं। हमने यहाँ पर 6 स्पून ले रहे हैं 1/2 कप हमारा। हमने जो सब मसाला लिए थे अब इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें हम 1 कप कर्ड डालेंगे, 1 कप दही डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 टाइप के प्याज लिए हैं, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज लिए हैं। अब थोड़ा लंबा लंबा प्याज कटा हुआ लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर 1/2 कप पानी ले रहे हैं। देखिए हमारा बैटर अब रेडी है, दही पकौड़ा के बैटर। अब यहाँ पर हम करी पत्ता डाल रहे हैं बारीकी से कटा हुआ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा दही पकौड़ा के बैटर अब रेडी है। अब इसको फ्राई करते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें आप चाहे तो अपने हिसाब से साइज, पकौड़ा का साइज बनाकर छोड़िए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा फ्राई हो रहा है।
हमारा पकौड़ा हम बड़े बड़े प्याज लिए थे, इसलिए थोड़ा स्पाइडर जैसा हम बनाए हैं, उसके पैर के जैसे हमने बनाए हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा बन गया है। अब इसको पलटेंगे, पलट देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा अब बन गया है दोनों तरफ से। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ा हो गया है। आइए दोस्तों, अब बनाते हैं कड़ी को। कड़ी में हमें जो पकौड़ा डिप करना है, और बहुत सुंदर भी दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा पानी दे रहे हैं, ताकि हमें पकौड़ा को डालना है, इसलिए हम यहाँ पर पानी दे रहे हैं। अब इसमें पकौड़ा को डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कढ़ी में। अब इसको 5 मिनट तक पकाते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आ गए। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ले रहे हैं दही कढ़ी को छोंक लगाने के लिए। अब इसमें जीरे को डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर हींग को डाले हैं। अब सूखी मिर्ची और हरी मिर्च, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं। देखिए हमने छोंक लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा छोंक लगाएंगे। दूसरा छोंक के लिए हमने यहाँ पर सेम लगाए हैं, उसी में तेल लिए हैं, जीरे को डाले हैं, सूखी मिर्ची को डाले हैं, और करी पत्ते एक्स्ट्रा डाले हैं, और थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं। देखिए हमारा छोंक हो गया है। अब इसको डालते हैं कढ़ी में, पकौड़ा के कढ़ी में, दही कढ़ी, दही पकौड़ा के कढ़ी में। ये कितना सुंदर दिख रहा है। आप भी बनाइए हेल्दी पकौड़ा कढ़ी, हेल्दी कढ़ी बनाइए, आप भी खाइए और इसका मज़ा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेस्टी पकौड़ा कढ़ी का मज़ा लीजिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज दोस्तों कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, बाय दोस्तों।